गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हमने पहले पढ़ लिए, आज हम 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 14 क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव। तो लक्ष्मी के पास बैंक की कैशियर है लक्ष्मी, और उसके पास करेंसी नोट्स हैं 100 के, 50 के, 10 के, और जो वो नोट्स रेशियो में दिए गए हैं 2:3:5, और जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। तो हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो हम फर्स्टली राइट करेंगे नोट्स के डिटेल। हम लिखेंगे लेट 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 द नंबर ऑफ रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10 नोट्स बी 2x, 3x एंड 5x। हमने जो रेशो था वो x के साथ मान लिया, 2x, 3x, 5x। तो जो अब नोट्स हैं, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो द टोटल अमाउंट जो है उसके पास वो 4 लाख है, 4 लाख। और नोट्स की डिटेल्स, द अमाउंट अमाउंट तो अमाउंट में उसके पास रुपीज 100 नोट्स हैं। कितने 100 के? 2x। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200x आ गया। रुपीज 50 नोट्स, तो हम अब उसको 3x मल्टीप्लाई 50, दैट इज इक्वल्स टू 150 है। अब रुपीज 10 नोट्स, तो 5x मल्टीप्लाई 10, दैट इज 50x। ये यहां से लिया हमने 2x, 3x, 5x, 2x लिया, 3x, 5x लिया, 100 के नोट, 50 के, 10 के, तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन तो हमारे पास सम जो आता है वो लिखेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। हमने सारे के सारे टर्म्स ऐड कर लिए, तो 200 आ गया, 200 प्लस 200 400 होता है, तो 50 लगा ली, x इक्वल्स टू 4 लाख अपॉन 400, जीरो से जीरो कट के, और 4 1 4 100 बचा, तो हमारे पास 1000 बच गया, एक्स की वैल्यू 1000 आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स, द नंबर ऑफ नोट्स। तो रुपीज 100, तो 100 के कितने थे, 2x, 2 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज इक्वल टू 2000, एंड रुपीज 50, 50 के हमारे पास 3x थे, 3 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज 3000, एंड रुपीज
टेन के 5x थे, तो 5 × 1000 डेट इज 5000। तो ये सारा हमारे पास नोट्स के डिटेल आगे, ये इतने इतने रुपीज के नोट्स थे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइंस इज 3 times द नंबर ऑफ 5 क्वाइंस। द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160। हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो अब हमें इसमें नंबर ऑफ क्वाइंस टाइम्स में दिए हैं, तो हम अब पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वाइंस मानेंगे। पहले तो हमें राइट करना है, द लेट द नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइन। तो रुपीज 5 वाक्य आते हैं हमारे पास एक्स, एंड नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइंस, तो 2 क्या आते हैं हमारे पास 3x। तो अब जो टोटल नंबर रहता है, टोटल नंबर, टोटल नंबर है हमारे पास 160 टोटल कॉइन है। तो लेफ्ट क्या होता है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन। 1 रुपीज के कितने थे, तो हमने 160 से 3x भी माइनस कर लिया और x भी, टोटल 160 थे हमारे पास कॉइन, तो 5 रुपीज के x थे, 2 रुपीज के 3x थे, तो टोटल नंबर 160 थे। तो 1 रुपीज के निकालने के लिए 160 माइनस 3x माइनस x किया, तो हमारे पास आ गया 160 माइनस 4x। तो अब हम अमाउंट निकालेंगे, द अमाउंट जो लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही, अमाउंट कौन सा, रुपीज टू क्वाइंस, तो 3x आया, तो 2 × 3x करेंगे दैट इज इक्वल टू 6x, और वैसे ही रुपीज 5 क्वाइन, तो 5 का था हमारे पास x, तो 5 × x दैट इज 5x, एंड फ्रॉम रुपीज 1 क्वाइंस, तो 160 − 4x × 1 दैट इज 160 − 4x। तो अब हमारे पास गिवन में ही टोटल अमाउंट दिया है, जो टोटल अमाउंट है वो दैट इज 300। तो हम सम कर लेंगे सबका, 6x 5x 160 − 4x = 300। तो 60x है प्लस 5x है, सॉरी यहाँ पे 6x था, मिस्टेक हो गई, 6x था, तो 6x है, 5x है माइनस 4x है प्लस 160 है। तो हम रीअरेंज कर लेते हैं, 6x 5x 4x माइनस का 160 300। तो हम राइट प्लस कर लेंगे, 5 प्लस होता है 11, 11 से 7 को माइनस, सॉरी 11 को 4 से माइनस किया तो 7 आता है 7x, और ये इस साइड से इधर गया 300 माइनस 160 हमारे पास, माइनस करने पे ये बचा, सब्सट्रैक्शन ऐसे किया हमने, 0, 2, 10 ये 4 बचा और सब्सट्रैक्ट करने 1 आया, तो x की वैल्यू 140/7, 7 कट किया दैट इज 20। नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस
तो हमारे पास रुपीस टू कॉइन्स हैं। तो रुपीस टू के कितने आ गए हमारे पास, कितने थे रुपीस टू के, 3x, तो दैट इज 3 × 20, दैट इज 60 रुपीस। 5 कॉइन्स, 5 रुपीस के कितने थे एक्स, तो दैट इज 20 रुपीस। 1 कॉइन्स, दैट इज 160 − 4x, दैट इज 160 − 4 × 20, तो 160 − 80 हो गया, 160 − 80। तो हमारे पास जो बचा वो आ गया 160 से 80 − 80, तो हमारा जो लेफ्ट आंसर था 80, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिक्सटीन में लिखा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजर ने ऐसे कंपटीशन डिबेट करवाई, जो विनर था उसको 100 रुपीज मिले और जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने प्राइज नहीं जीता उनको 25। तो टोटल जो प्राइज मनी थी वो 3000 थी, तो नंबर ऑफ विनर्स निकाल लें, टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास गिवन दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे लेट लेट द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू एक्स। तो नॉन विनर्स थे वो हमारे पास, नॉन विनर्स 63 − x, क्योंकि टोटल हमारे पास 63 था तो हमने 63 से माइनस कर लिया। अब प्राइस गॉट बाय विनर्स, तो विनर्स को जो प्राइस जाता है वो 100 × x हो गया, तो 100x हुआ। अब प्राइस गॉट बाय नॉन विनर्स, जो नॉन विनर्स को प्राइज आता है वो 63 − x × 25। तो 63 − x लिखा और 25, तो 63 से पहले 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 × 25 एंड −x × 25, तो 63 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 63 × 25, तो 5 × 3 = 15 × 1 कैरी, 6 × 5 = 30, तो 31 आ गया, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो 5 × 7 = 5, 1, तो हमारे पास आ गया 1575 − 25x, ये हमारे पास जो था वो आ गया। अब जो टोटल प्राइस था, टोटल प्राइस अमाउंट मनी थी वो 3000 थी, तो हम लिख लेंगे 375 × 25x प्लस 100 3000, दैट इज 75, ये 100x था, 100x से 75x आ गया, (75x) (3000 − 1575). इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1575 कैरी लिया,
टू नाइन नाइन टेन, तो फाइव टू फोर वन, वन फोर टू फाइव आ गया, दैट इज ये, एंड एक्स इक्वल्स टू वन सेवन टू फाइव, सॉरी वन फोर टू फाइव अपॉन 75. तो हमने क्या किया, ये 75 इधर आया, अब हमें डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, 5 वन जा 5, 2 5 फाइव जा 25, 5 टू जा 10, 4 5 एट जा 40, 2 5 फाइव जा 25, 5 से दोबारा से 5 थ्री जा 15, 5 फाइव जा 25, 3 बचा 5 सेवन जा 35, 3 का टेबल लगा लेते हैं, 3 वन जा 3, 2 3 नाइन जा 27, तो एक्स इक्वल्स टू 19, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स थे जो 19 है. ओके, दिस इज हमारी एक्सरसाइज ओवर होगी. थैंक यू.